नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए गत वर्ष आरंभ किया गया था। इस टैब के माध्यम से आज अपन जानेंगे शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही जो महत्वपूर्ण आदेश और फॉर्म जो कि विभागीय कार्यों के लिए जारी किए जाते हैं उन्हें किस प्रकार डाउनलोड करें, उसके लिए ऑथेंटिक साइट है समग्र शिक्षा अभियान की, जानते हैं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अभियान की या समसा की साइट ओपन करने के लिए सबसे पहले जैसे अपन साला दर्पण टाइप करते हैं वही प्रक्रिया अपनानी है। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा साला दर्पण, वहां पर आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा जहां पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से नीचे करना है। उस पे आपको पहला लिख दिखाई देगा ज्ञान संकल्प पोर्टल का, दूसरा है समसा। जो समसा का टैब दिखाई दे रहा है उस पे आपको क्लिक करना होगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा आपको। समग्र शिक्षा अभियान मुख्य पृष्ठ होम पेज दे रखा है। हमारे बारे में, इस विभाग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो गवर्निंग काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, व्यक्ति परिचय, कार्यकारी समिति, वेब सूचना प्रबंध संबंध में जानकारी इस टैब के माध्यम से ले सकते हैं। अगला टैब है समग्र शिक्षा ओवरव्यू, कार्यक्रम, रिपोर्ट कार्ड, आदर्श स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय के बारे में यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अगला है डाउनलोड। ये टैब हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है क्योंकि इसमें जो भी फॉर्म वगैरह जो जारी किए जाते हैं विभाग के द्वारा वही अधिकांश यहीं पे मिलते हैं। दस्तावेज फॉर्म निदेशालय से जो भी जारी होते हैं, फॉर्म योजनाओं के जितने भी जारी होते हैं वो आपको यहाँ से डाउनलोड करके आप आसानी से काम में ले सकते हैं। ये विभाग की एक ऑथेंटिक साइट है। यहाँ से यूडाइस, सिविरा, पीओ की सूची, आरटी एक्ट के बारे में और जो भी अन्य दिशा निर्देश है वह यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सर्च का टैब है। यहाँ से आप यूडाइस खोज सकते हैं, विद्यालय का कोड जान सकते हैं और विद्यालय को भी खोज जान सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण लिंक दे रखे हैं। राजकीय कैलेंडर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फोटो वीडियो गैलरी के लिए आप इस ऐप को या इस साइट को आप काम में ले सकते हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्कूल के लिए, संस्था प्रदान के लिए दिशा निर्देश क्या क्या है वह आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। एजुकेशन राइट, शिक्षा का अधिकार के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और संपर्क करें राज्य कार्यालय, संभाग कार्यालय, जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय और शाला दर्पण प्रकोष्ठ। कौन से स्तर पर किस अधिकारी से संपर्क करना है, संपूर्ण जानकारी समग्र शिक्षा अभियान के इस साइट से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ओपन करूँ शाला दर्पण प्रकोष्ठ, तो कुछ इस प्रकार का डायरेक्टर दीपक कुमार डिप्टी डायरेक्टर है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। आप जिस भी अधिकारी के यहाँ से नंबर आसानी से ले सकते हैं। डाउनलोड में योजनाएं हैं तो आप योजनाओं पर क्लिक करके, गार्गी पुरस्कार है तो इस गार्गी पुरस्कार के बारे में आसानी से आप जान सकते हैं। समसा ग्रांट के बारे में जान सकते हैं, पीओ की सूची, जो भी लेटर विभाग के द्वारा योजनाओं से संबंधित जारी किए गए हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूडाइस, यूडाइस के बारे में जो भी ऑर्डर विभाग के द्वारा जारी किए गए थे 2012, 13, 13, 14, 14, 15 वो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। फॉर्म निदेशालय, यहाँ पे कमीशन के संबंध में जीपीएफ, गेम्स फॉर्मेट, चाइल्ड केयर के लिए में बोर्ड फॉर्म, एसीपी फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट, एसआई फॉर्मेट आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाते हैं। फिक्सेशन के संबंध में इनकम टैक्स फॉर्मेट है, जीपीएफ फॉर्मेट है, ये आपको आसानी से यहाँ से उपलब्ध है। शिविरा पत्रिका यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मंथ वाइज। इसके अलावा विद्यालय कोड जाने, विद्यालय खोजें, यूडाइस खोजें, आपके विद्यालय के डाइस कोड आप यहां से खोज सकते हैं। विद्यालय खोजें,
यह है विद्यालय की लोकेशन द्वारा या विद्यालय के नाम के द्वारा। अगर आपको किसी विद्यालय के बारे में जानकारी चाहिए तो जैसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, ब्लॉक सिलेक्ट किया, और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ पे टाइप करना होगा। और यहाँ से आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको दोबारा कैप्चा फिल करते हैं। या फिर जैसे ही अपन ये कैप्चा डाल के ब्लॉक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो भी सरकारी विद्यालय होंगे वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएंगे, जहाँ से आप डाइस कोड के साथ स्कूल को सर्च कर सकते हैं। मकराना के सारे विद्यालय यहाँ पे शो हो रहे हैं जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने विभाग के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, दिशा निर्देश है, उनको डाउनलोड करने की एकमात्र ऑथेंटिक साइट के बारे में जानकारी सीखने का प्रयास और मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।